मैं मेंटल डिप्रेस्ड हो गई थी आफ्टर केमो. मेरे को मुझे 3 दिन तक बहुत परेशानी हुई. 3 दिन तक तो मैं लिटरली मैं 3 दिन तक तो उठ भी नहीं सकती थी. कभी बहुत हाई फीवर होता था, कभी मुझे डायरिया हो जाता था, वॉमिट्स होती थी, धीरे धीरे मेरे सिर के बाल जाने लगे. तो ये सब मेरे लिए फिजिकली पेनफुल था, प्लस मेरे लिए मेंटली पेनफुल था. मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ा पेन था उस चीज़ को, कि आई एम अ कैंसर पेशेंट नाउ. मथुरा, अ प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंट रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस फॉर हिंदूज, हैज मैनी लेयर्स ऑफ कल्चर्स इम्बोज्ड इन हर. द इन्फ्लुएंस व्हिच शी हैज ऑन द पोटेंशियल क्योर फॉर कैंसर is what we are about to explore right on these banks of the holy river Yamuna. Beyond the chants and bells and the beautiful morning prayers, the holy city of Mathura is also an epicenter of the wisdom to do with cannabis as well as its medicinal use. The city has been mentioned many times in the ancient texts regarding its subculture of consuming bhaang. But before exploring what bhaang is, I'd like to introduce to you Karuna Pandya, a 47-year-old entrepreneur housewife who also happens to be my mother. She has been a resident of the city for over 25 years. उस पेन को डिस्क्राइब करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहला तो उस चीज सबसे पहले तो उस बीमारी को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ा पेन था मेरे लिए, क्योंकि एकदम नॉर्मल लाइफ से और लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी, क्योंकि एक मरीज में कन्वर्ट होना मेरे लिए बहुत वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना. और फिर ये एक्सेप्ट करने के बाद में जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी 3 साइकल्स केमो की सर्जरी से पहले और 3 साइकल्स केमो की सर्जरी आफ्टर सर्जरी होने वाली है, तो केमो का नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा पेनफुल पेन है. केमो अपने आप में बहुत पेनफुल होता है. जिस दिन केमो लगता था उसके दूसरे ही दिन से कुछ ना कुछ रिएक्शन स्टार्ट हो जाते थे. मुझे फीवर हो जाता था, बहुत ज़्यादा फीवर होता था, कभी मुझे वॉमिट होती थी, डायरिया हो जाता था, पैरों में इतना दर्द होता था जो मैं मीन्स मैं एक तरह से जैसे छोटे बच्चे की तरह से मैं उस समय बिहेव हो जाता था मेरा, कि मैं उस चीज़ को फील नहीं कर पाती थी. सॉरी फील मैं उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पाती. भांग काली मिर्च का योग और बाकी सब रोग, तो ये भांग काली मिर्च का योग है. डायबिटीज से ये बचाती है, कैंसर से ये बचाती है, और ये आप अपने में ही एंटीबायोटिक है. क्या है ये? एंटीबायोटिक. इसको यदि आप कैसा भी दर्द हो रहा हो, कैसा भी हो रहा हो, उसको आदमी को दे दें तो हमारी तो उसका कार्य करेगी. शौक के तौर पर एक दो बार मैंने भी लिया था. जनरली होली पर सब लोग लेते हैं, तो वो मैंने एक दो बार लिया था, लेकिन उसका मेडिकली उसका यूज़ होगा ये मुझे अभी महसूस हुआ. जब मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि मैं भांग लूँगी तो मेरी जितनी भी नर्व्स हैं वो सब कम डाउन हो जाएंगी, वो शिथिल पड़ जाएंगी, तो उससे मैं शायद उस पेन को मैं जो मुझे केमो का जो रिएक्शन होता है और जो तकलीफ होती है उस तकलीफ को मैं कम कर सकूँ. कृष्णा वॉज बोर्न हियर. And as the locals believe that he also pioneered the art of relishing the nectar of cannabis. So while the world equates holy with bhang, for these locals, it's an everyday customary thing. Pyala, prem ka, ashramit, nem ka, rehna ek ant ka, yehi mata sant ka. Shadun khai, santan khai, khai kumar karai, ojo bijiya ki kare burai, kaante khai malai. हरियल नीचे हरियल ऊपर हरियल पेट में गोला है, और जो हरियल की करे बुराई को मरियल है. इस ब्यूटी में इतने गुण हैं कि हर एक किसी चीज में गुण नहीं है. इसको नेगेटिव में ना देखे आदमी. यदि इसकी मात्रा है जति को रति भोगी को माशा, और ज्यादा पिए कहीं देखे तमाशा, कि सब चीज जो है वो कंट्रोल में और लिमिट में होनी चाहिए. तो जो जति है उसको रति वर्ग बताया गया है, रति के हिसाब से. भोगी जो है, भोग विलास करने वाला है, उसको चना बराबर बतलाई गई है. और भैया ज्यादा पिए कहीं देखे तमाशा,
तो हर चीज की जो अत सर्वते बढ़ जाती, अत जो है वो सब किसी की अच्छी नहीं है। तो इसको औषधि के रूप में यदि हम लेंगे तो इससे इसमें जो क्षमता है लड़ाई लड़ने की वो हर एक में नहीं है। एक पैर पहले इसको भिजोया जाता है 3 घंटे के लिए, फिर इसको धोया जाता है, धोकर के फिर इसको उबाला जाता है, उबाल करके फिर इसको घोटा जाता है, आपके सामने घोट करके आपको हम दिखला रहे थे। अब अपने इसको पीसा है तो इसमें पिस्ते में, बादाम में, केसर में, इलायची में, इसको सब में यूज किया जा सकता है। भांग डजंट डिस्क्रिमिनेट एज दीज मैन बिलीव इट इज नॉट अ मेंस एक्सक्लूसिव ट्रीट। Women and the third gender have been mentioned consuming bhang in the holy relics, contrary to the popular belief. Hamari to mata ji peeti thi bhang. Hamari nana ji pilate the. Aur aaj ki bhi date mein hamari samaj mein aisi behan betiyan hain, unko chillu diya jata hai. Koi bhi patient chahe sirf baat cancer ki nahi hai. कोई भी बीमारी जो बहुत पेनफुल है, जिसमें पेशेंट बहुत सफ़र कर रहा है, पेन से सफ़र कर रहा है, तो मैं उसको यही सलाह दूंगी कि यह आपको किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाती है, आप बल्कि इसको लेने के बाद में आप बहुत ज़्यादा शांत या काम फील करते हैं, आपको नींद अच्छी आएगी, क्योंकि एक मरीज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी अच्छी नींद, क्योंकि वो पहले से मेंटली स्ट्रेस रहता है तो उसकी नींद उड़ जाती है, जो मेरे साथ भी हुआ था, और ये लेने के बाद मुझे नींद बहुत अच्छी आने लगी और भूख मेरी खुली। मुझे पहले कुछ खाने का मन नहीं होता था, लेकिन ये लेने के बाद में मेरी भूख खुली तो मैं ठीक से खाने लगी जो डॉक्टर्स मुझे बोलते थे। तो बात सिर्फ कैंसर की नहीं है, बात लगभग हर वो बीमारी जिसमें पेशेंट सर्वाइव करता है पेनफुली, उस बीमारी में अगर वो भांग लेता है तो उसका उसको फ़ायदा ही होगा मेरे हिसाब से। It's worthy to notice that the medical science has been increasingly vocal in advocating and highlighting the medicinal properties of bhang, especially in cancer. However, the confused legal status makes it harder for real patients seeking a real cure out of it. I know enough people who use it. I get asked often enough for the cannabis oil, and you know, and I get a lot of queries and a lot of people question, patients wanting to use it, some use it also. Like I said, it ably takes care of the chronic effects of cancer, like muscle spasms, like you know, that the feeling, low feeling which is all pervading in cancer, depression, fearful, loss of self-esteem, extreme anxiety, sleeplessness, you know, no appetite, pain, chronic pain, which is not responding to opioid medications. People take it for various reasons and they all have good results. We are all aware now, particularly in the newer thought, that it has a lot of medicinal usages which can be harnessed and should be used. And as research sort of unfolds itself and tells us how to use them better, then I think we should look at it positively and at least start a debate in this country. सरकार इसको लेकर कुछ अलग सोचती है, भांग को लेकर कुछ अलग सोचती है, या लोगों का अपना नज़रिया है, लेकिन जब एक तकलीफ, जो एक जैसे बोलते हैं कि एक पेन सर्वाइवर होता है जो उसको तकलीफ को फील कर रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी मेडिसिन तो उसके लिए ये है कि उसको कहीं से भी राहत मिले, और जब मुझे राहत मिली तो ये मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे वो बाद में, फिर मैंने उसको उसके बारे में थोड़ा स्टडी किया, तो जब स्टडी किया तब मुझे पता चला कि भांग बहुत हद तक मेरे बीमारी में मेरे लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कैनबिस लीव्स, भांग फेसेस मेनी हर्डल्स इन इट्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मथुरा हैज लाइसेंस्ड गवर्नमेंट शॉप्स कॉल्ड भांग ठेका टू बाय भांग, बट मोस्ट ऑफ द कंट्री स्टिल रिलाइज ऑन अ शैडो इकोनॉमी। Our lawmakers should realize their responsibility in giving bhang or cannabis in general the status it deserves to have. It is not a drug to be banned. It is a drug towards cure. जनता जागरूक है तो आप भी जागरूक होइए। आपको भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को फायदा हो रहा है किसी चीज से, तो अगर आप उसे लीगल कर देते हैं
तो उसे लोग लेने वाले ले ही रहे हैं, आज मैंने भी लिया है और सब कुछ लेते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ ले सकते हैं और उससे आराम किस यहाँ के लोगों को आराम मिलता है, तो मेरे ख्याल से सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए और इसको एक मूवमेंट के रूप में लेना चाहिए। जिस तरह से दूसरी दवाइयों का रिसर्च हो रहा है, तो उसी इस दवा इसको भी दवा के रूप में पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। I believe my mother was lucky to be living in Mathura because all she had to do was to get some bhang from a nearby bhang taker. Now, as a son who's seen his mother's suffering and the relief which bhang had to offer, I personally advocate every single patient to at least consider consuming it when in pain.